जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इस टाइम के लाहौर यूट्यूब चैनल। ये जी आज जमान शाह साहब बना रहे हैं फ्लैश स्टैम्प। कैसे बनाते हैं जी, आपको दिखाते हैं। ये हमने रबड़ रख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हमने ये ट्रांसपेरेंट पेपर रखा उसके ऊपर। रबड़ से बड़ा रख, रबड़ से बड़ा रख लिया जी। पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, थोड़ा सा और आगे कर लें आप इसको। अब ये ट्रेसिंग पेपर आपने उल्टा करके रख देना है, रिवर्स में। रिवर्स में हाँ, आप देख लो सेटिंग जरा सही कर लो, सेटिंग थोड़ी सी ऊपर जा रही है उसकी। हो गया। ये जी हमने फ्रेम बंद कर लिया। फ्रेम बंद करने के बाद ये हमने मशीन का स्विच लगाया, ऑन की, मशीन ऑन हो गई। अब जनाब ये हमने आगे करके रख के स्टार्ट का बटन दबा दिया। अब जैसे इसको फ्लैश लगेगा स्टैम्प तैयार। 350 पे जाकर फ्लैश लगता है। ये जी स्टैम्प ओके हो गया। स्टैम्प आपके सामने बन चुकी है। मशीन बंद कर देते हैं। ये चेक करें जी रिजल्ट। ऑर्डर बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मेरा नंबर मिलता है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्टैम्प मेकिंग मशीन्स भी सेल करते हैं और स्टैम्प्स भी। चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अब इसकी फिलिंग आपको बताते हैं कि फिलिंग कैसे होनी है। ब्लैक कलर की इंक डालनी है जी इसमें, ब्लैक कलर की इंक। इसकी इंक की फिलिंग का तरीका जो है ना वो फ्रंट साइड से होता है। बस इसमें इंक डाल के ऐसे जो है ना वो छोड़ देनी है, उसके बाद इसको लगाना है। ये बेहतरीन जो है ना वो रिजल्ट देगी। इसकी एहतियात सिर्फ ये है कि जो कवर है ना इसका, वो कवर आपने इसको लगाने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद जो है ना कवर लगा देना ताकि इसके फ्रंट साइड पे हवा ना लगे। ये जो हमने लगा के बस, ये भी इंक जो है ना इसके अंदर जज्ब हो जाएगी और इसके इंक पैड में खुद ही जो है ना वो इंक रहेगी। बाकी आपको पता ही है पूरे पाकिस्तान में जो है वो डिलीवरी है। अल्लाह हाफिज़।